बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर के एक और प्रोजेक्ट के साथ खुश आमदीद। हमने ये प्रोजेक्ट MPPT बेस्ड लगाया है और 16 पंखों का ये सेटअप है, जिसे हमने दो पैटर्न में डिवाइड किया है। एक में 8 पंखे हैं और दूसरे में भी 8 पंखे हैं। एक मदरसे का सेटअप है जो कि हमने अपने इलाके में इंस्टॉल किया है। दोनों प्रोजेक्ट्स की वीडियो एक पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में हमने दो दो ट्यूबलर बैटरीज TX 1600 जो हैं वो यूज़ किए हैं। फैसल के दो MPPTs यूज़ किए हैं और हमने इसमें DC ब्रेकर्स ऐड किए हैं। जबकि पैनल्स की बात की जाए तो 415 वाट मोनो पर के इसमें जो है वो दो दो पैनल्स इस प्रोजेक्ट में ऐड हैं। इनकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आज मैं आया था, तो पैनल से जो इनपुट आ रहा है वो तकरीबन हमें 32 से 33 एम्पेयर जो है वो हमें इनपुट मिल रहा है और इसका जो आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है वो दैट इज़ 60 एम्पेयर। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 43.6 एम्पेयर, ये रीडिंग सही नहीं है। मैं आपको इसलिए क्रॉस चेक कर रहे हैं एम्पेयर मीटर के साथ, लेकिन किसी में ज़्यादा अच्छी रीडिंग आ रही होती है, किसी में कम रीडिंग आ रही होती है, तो रीडिंग चेक करने के बाद जो है वो प्रॉपर पता चलता है। तो ये हमारे डिलेक्सी के ब्रेकर्स हैं जो कि हमने सोलर इनपुट पे 32 एम्पेयर और लोड के ऊपर जो है वो 63 एम्पेयर का ब्रेकर दिया है। सोलर साइड पर हमारी 6 mm की शील्ड वायर है, जबकि कंट्रोलर से लेके बैटरी के दरमियान में हमने 16 mm की वायर यूज़ की है। कोशिश की है कि हम अच्छे से अच्छा काम जो है उसको यकीनी बनाएँ। और ये आप हमारी बैटरीज़ का मास्टर लुक देख सकते हैं। TX 1800 Phoenix की बैटरीज़ हैं जो कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किए हैं और कोशिश की है। ये इसमें खुर्शीद के AC DC पंखे हमने यूज़ किए हैं। टोटल 16 पंखे हैं, तो एक जैसे दोनों दो प्रोजेक्ट्स हैं। ये दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा, मतलब एक ही जगह पर लगे हुए हैं लेकिन दो अलग अलग जगह पर पोर्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरे सेटअप के अंदर भी हमें 32.5 एम्पेयर जो हैं वो सोलर से रिसीव हो रहे हैं, जो कि हमारे दो पैनल्स जो हैं 415 वाट मोनो पर क्राइजन के, ये उनका हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। और इस रिज़ल्ट को हमारा MPPT जो है वो 60 एम्पेयर में कन्वर्ट करा है। मैं आपको वो लुक भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप पंखों का दोबारा एक दफ़ा लुक देख लेंगे। इस पर तकरीबन सारा लोड चल रहा है और ये मदरसे में जो बच्चे हैं वो ज़ेरे तालीम है, इस वक्त तदरीस का अमल जारी है। तो आज हमारी टेस्टिंग थी प्रोजेक्ट की, जिसके लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो अब आप देख लेंगे इसके अंदर 59.0 एम्पेयर हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। तो हमने प्रोजेक्ट इसी तरीके से इसी पैटर्न पे डिज़ाइन किया था कि हमें 60 एम्पेयर प्रॉपर सोलर से मिलें, ताकि हमारे 8-8 पंखों का जो हमने सेटअप डिवाइड किया है वो इजीली चले और मदरसे का जो अमल है तदरीस का वो ना रुक सके। और अगर रात को बच्चे इन्हीं कमरों में सोते भी हैं तो उन्हें किसी किस्म की इंशाल्लाह दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फैसल के MPPT जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और वारंटी में आते हैं, 6 मंथ वारंटी में। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे मस्जिदें हैं या मदरसे हैं उसमें हम फैसल को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास अलहम्द के भी चार्ज कंट्रोलर हैं जो कि सेम क्वालिटी के साथ आते हैं और उनका भी यही रिज़ल्ट है। पैनल्स की बात की जाए तो Tier 1 के अंदर राइजन का ब्रांड आता है और इसके पैनल्स जो हैं हम कोशिश करते हैं कि अपने सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो सेटिसफेक्ट्री हैं और हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में इनको कामयाबी से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स।